नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इंदौर जून में गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोपहर के समय एक युवक शेर के बाड़े में कूद गया। यह युवक बाड़े में काफी समय तक टहलता रहा। गनीमत रही कि शेर की नजर उस पर नहीं पड़ी। समय रहते चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाल लिया। मिली जानकारी के अनुसार बाड़े में कूदा युवक नशे में था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पूरी घटना चिड़ियाघर के कैंटीन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मिली जानकारी अनुसार जून में दोपहर करीब 1 बजे एक युवक शेर के बाड़े के आसपास घूम रहा था। कुछ देर बाद वह पाइप के सहारे लोगों के सामने शेर के बाड़े में उतरने लगा। लोगों को लगा कि वह जून का कर्मचारी होगा। इसके बाद काफी देर तक युवक शेर के बाड़े में ही टहलता रहा। लोग उसे देखते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जून के कर्मचारियों को जब जानकारी लगी तो वे तत्काल बाड़े के पास पहुंचे। कर्मचारियों ने जब उसे बाड़े से बाहर आने का कहा तो वह शेर के पिंजरे की ओर जाने लगा। इस पर दूसरी ओर बैठे शेरों को तत्काल कर्मचारियों ने आवाज लगाकर पिंजरे में जाने को कहा। इस पर सभी शेर पिंजरे में चले गए और युवक को बाड़े से पकड़कर बाहर निकाला। मिली जानकारी अनुसार युवक मानसिक रूप से बीमार है। वह नशे में था इसलिए सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। गौरतलब है कि गत वर्ष भी इसी प्रकार की घटना जून में हुई थी। यह युवक जहां से बाड़े में उतरा था वहीं से पहले भी एक व्यक्ति उतर चुका है। गौरतलब है कि जिस जगह से युवक उतरा था वह बाड़े का बफर जोन है। यहां 18 फीट से ज्यादा गहरी नाली है। युवक इसी के किनारे टहला रहा जबकि शेर बाड़े के दूसरी ओर बैठे थे, इसीलिए उनकी नजर युवक पर नहीं गई। प्राणी संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी उत्तम यादव ने कहा कि आज प्राणी और मानव के बीच जो रिश्ता है वही काम आया है। प्राणी संग्रहालय के कर्मचारी रोजाना शेरों को भोजन देते हैं, इससे वे उनकी बात सुनने लगे हैं। नशेड़ी युवक को जब नीचे से ऊपर आने को कहा तो वह शेर के पिंजरे की ओर जाने लगा। इसके बाद हमने शेरों को पिंजरे के अंदर डालने की कवायद शुरू की और कर्मचारियों ने आवाज देकर शेरों को पिंजरे के अंदर डाल दिया। इसके बाद उसे बाड़े से बाहर निकाला जा सका।